तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी के सामने एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हाजिर हूं। आज का ट्रिप क्या होगा? आज हम चलेंगे रिकांगपिउटू चितकुल। लेकिन जो अभी मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूं और यहां पे पता लगा कि बस सिर्फ सांगला तक ही जाएगी और सांगला से आगे आपको टैक्सी वगैरह या प्राइवेट गाड़ी से आपको जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ काफ़ी बर्फ है। अभी चलेंगे सांगला, 9:30 बजे की बस है हमारी और ये पीछे देख भी सकते हो बसें लगी हुई हैं यहाँ पे। सांगला का बस स्टॉप है। 9:30 बजे पीओ से चले थे, अब 11:30 बज रहे हैं। करीब 2 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में क्योंकि बस की स्पीड 10 से 15 बहुत डेंजरस रोड है यार। मैं थोड़ा बहुत ही शूट कर पाया था क्योंकि बैटरी भी ख़त्म हो रही थी और मेरा ट्राईपॉड से मैं अपना चार्ज करा और यहाँ पहुँचा हूँ। बाकी ठंड बहुत लग रही है यहाँ पे, वैली बहुत अच्छी है यहाँ की। अभी थोड़ा रूम देख लेते हैं क्योंकि बैग वैग काफ़ी भारी है, बैग रख लेते हैं, उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि चितकुल कैसे जाते हैं। हाँ, उससे पहले थोड़ा कुछ खा लूँगा यार, भूख लग रही है बहुत तेज़ क्योंकि एनर्जी भी अब थोड़ी लूज़ होते जा रही है, तो पहले एनर्जी लेते हैं। पीओ से सांगला तक की टिकट 72 रुपये की है, 72 रुपीज़, और 10% का मुझे डिस्काउंट मिला है उस पर क्योंकि मेरे पास कार्ड बना हुआ था। अगर आपके पास HRTC का कार्ड नहीं है तो आपको ये 72 रुपये की पड़ेगी। ये मेरे पीछे देखिए सांगला गेट है। तो भाई अभी सीन कुछ ऐसा है, मैंने सोचा था कि यहाँ सांगला में रुकूंगा रात को, कि मतलब अभी मैं आ गया हूँ सांगला और उसके बाद यहाँ से गाड़ी या बस तो यहाँ चलनी थी, जो शेयरिंग टैक्सी होती है उसको पकड़ने के बाद मैं चितकुल जाऊँगा और चितकुल को वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करके और शाम तक वापस आ जाऊँगा और यहाँ पर नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन यहाँ से बस पकड़ के घर चला जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की इतनी अच्छी सर्विस नहीं है। बता रहे हैं कि आप एक ही गाड़ी जाएगी यहाँ से और वहाँ से वापस में 3 बजे की गाड़ी है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे क्या नाम है 12 बजे अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो 1 घंटा जाने में लगेगा और 3 बजे मुझे नहीं लगता मैं पॉसिबल हो पाएगा मैं गाड़ी पकड़ के आ जाऊँ, और शाम को फिर कोई गाड़ी नहीं तो मुझे मैं फंस सकता हूँ वहाँ पे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार, अब मुझे चितकुल में ही स्टे करना पड़ेगा। तो चितकुल में अभी बता रहे हैं कि मतलब रूम रेंट जो है वहाँ पर होम स्टे भी है और होटल वगैरह सस्ते मिल रहे हैं क्योंकि ऑफ सीजन है अभी। तो मैंने सोचा यार, मैंने कहा रिस्क नहीं लेना चाहिए, रात का टाइम है और बर्फ़ है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कुल्फी ना जमता है यार। ये भैया हमारे जो हमें गाड़ी में शेयरिंग टैक्सी है, इनकी बोलेरो गाड़ी है और ये हमें चितकुल तक पहुँचाएंगे। भैया कितने रुपए की टिकट है?
मुझे तो पता नहीं, मैं तो आगे चला। फिर भी एक पर्सन की 50 साठ कितना पता नहीं मुझे, पता करके बता। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे कितनी देर में पहुंचा दोगे आप? एक सवा एक घंटा में पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये गाड़ी है, इस तरह की यहाँ पे गाड़ी होती है। दोस्तों एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, देखिए हाथ में मेरा खून भी निकल रहा है और मेरा पूरे कपड़े पीछे से देखिए वो दिक्कत हो गई। बैग की हालत देखिए, मैं बहुत तेज़ी से गिर गया, सारा का सारा बैग गंदा हुआ पड़ा है, ये देखिए। और गिम्बल की हालत देखो, गिम्बल को अभी साफ पानी से साफ़ किया है थोड़ा गीले कपड़े से। पीछे मेरे को काफ़ी ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन सारे में गोबर बहुत तेज़ी से ऊपर से देख रहे ऊपर, हाँ यहाँ से मैं ये चीज़ यहाँ से फटा गई से नीचे से छिगरा, और चोट तो नहीं आई लेकिन अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा भी है और बेकार भी है। पूरे कपड़े गीले हो गए, ठंड बहुत तेज़ लग रही है, गीले हो गए। अभी तक कुछ खाया भी नहीं था, होम स्टे में गया था लेकिन वो काफ़ी हाइट पे था, मतलब इतनी कीच हो रही है यहाँ पे, गोबर लगा रखा है रास्ता बनाने के लिए, वो गोबर गल रहा है उससे स्लिप हो रहे हैं और मैं उसी वजह से गिर गया। बहुत पैंट पे पूरा गोबर लगा, तो पैंट तो चलो मैं चेंज कर लूँगा। अभी यहाँ के लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं मेरी, और होम स्टे के बारे में पता कर रहे हैं कोई आसपास हो होम स्टे या गेस्ट हाउस, क्योंकि देखते हैं क्या है। बैग की हालत देखो, पूरा गंदा हुआ पड़ा है, और आगे मैं बताता हूँ आपको क्या है क्या नहीं। बाकी दर्द हो रहा है, बहुत तेज सुन है, पानी थोड़ा पीने का पानी भी जमा हुआ है, और बर्फ़ तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, मेरे पीछे भी देखो। अभी तो मैं सिर्फ रोड पे खड़ा रहा हूँ और तक रूम भी नहीं मिला, करीब 2 बज गए हैं। सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा लेकिन सीखने को मिला। आगे देखते हैं और क्या होता है। लाल मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही है, मैं लेके चलता हूँ उनके पास। मैडम क्या बना रहे हो? पराठे? किस चीज़ के पराठे बना रहे हो? आलू के सारा पैंट पे और क्या नाम है जूतों पे ही गोबर लगा, कीच वगैरह लगी, हाँ जैकेट बच गई और पूरा का पूरा मेरे को बैग ने बचा लिया। नीचे पराठे बन रहे मेरे लिए। इसके बाद आप रूम दिखाओगे? हाँ हाँ, आप मैं फोन उठा लूंगा, यही रास्ता उसके पीछे का रास्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको बढ़िया हो गया, आप रूम से ला देगा क्या? नहीं आग की तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कपड़े चेंज कर लूँगा, बस पानी हो वहाँ पे थोड़ा, हो पानी है मिल जाएगा, गर्म पानी मिलेगा। अभी यहाँ पे सीजन नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो वैसे कितने का मिल जाएगा? 300-400 का कुछ पता नहीं, अभी उनसे पता कर। फिर एक बार आप उनको बुलाऊंगा ना। हाँ चलो एक बार थोड़ा 300-400 तक का बता रहे हैं, यहाँ पे होम स्टे या गेस्ट हाउस मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं, बाकी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ़ है यहाँ पे, हो सकता है तो अगर रास्ते खुले हो तो थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो राइट खुला है, खुले हैं वो 3 किलोमीटर आगे तक राइट पोस्ट तक। अच्छा पैदल ही जाना पड़ेगा उसके लिए? पैदल जाओ चाहे गाड़ी करो, मिलेगा वहाँ पे। क्या क्या चीज़ें देखने के लिए? वैसे बर्फ़ है पूरा प्लेन एरिया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और छोटे मोटे घर वर होंगे? घर नहीं है, गांव की ही आखिरी। अच्छा बस वहाँ पे फिर घूमने लायक क्या है? घूमने लायक कुछ नहीं है वहाँ पर, ऐसा ही है वो आपका कैंप है बस, एरिया खुला है। अच्छा ITBP का कैंप है? हाँ। तो ITBP का कैंप है, देखते हैं फिलहाल। तो देखिए हो गया है, दिक्कत है कि बैग को कैसे सुखाऊँ और इसमें सारे कपड़े हैं गंदे ना हो जाएँ, इसको धोना पड़ेगा पूरी तरफ।
पूरा गोबर लगा हुआ है इस पर, पूरा गोबर लगा हुआ है यार। चलो अभी तो फिलहाल खाने पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो फाइनली भाई रूम में पहुँच गया हूँ। रूम की हालत देखो, बहुत अच्छा है रूम। अगर इस मतलब इस लोकेशन पे और मतलब कि इस गांव जैसे लोकेशन पे इतना अच्छा रूम यार, पीछे देखो लोग, रूम कमाल है यार। अगर आप इसका रेट जानोगे ना तो और भी हैरान हो जाओगे। रूम के अंदर हर तरह की फैसिलिटी है। ये देखो, ये बेड है इधर, अगर कोई आपके साथ और है दो या तीन दोस्त, वो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। पीछे जेन्युइन वॉशरूम है, ऊपर से देखो एकदम जेन्युइन कंडीशन है, और बाहर से नज़ारे तो माशाल्लाह है। और इस रूम का जो प्राइस, अगर ये आप सीज़न में आते हो मई जून जुलाई इसमें, तो 1200 से 1500 रुपए का है। और अभी जो मुझे रूम मिला है वो सिर्फ 400 रुपए में मिला है। रूम के रेट ज़्यादा मांग रहे थे, 600 मांग रहे थे। करते 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 थोड़ा रिक्वेस्ट करी मैंने, अपनी हालत बताई कि मेरे साथ थोड़ा इंसिडेंट हो गया है, मैं गिर गया हूँ और कपड़े भी गीले हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और बैग भी पूरा गंदा हो गया, मैला हो गया है। तो फिर जो दुकान वाले जिनके यहाँ मैं चाय भी थी और पराठे खाए, उन्होंने भी थोड़ा फोर्स करा कि कोई नहीं यार, बंदा आया है उसकी मदद करो। बाकी यहाँ बंदे सारे हेल्पफुल है, कल्चर का भी अच्छा है। तो रूम मिला, जैकेट थोड़ी गीली हो गई थी तो जैकेट भी सुखाने को रख रखी है अभी ऐसे। वो नीचे देखिए लोअर पहन रखा है मैंने, सिर्फ अभी लोअर के अंदर। वो गिम्बल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है, तो गिम्बल से तो अभी मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकता, अभी तो मैं ट्राईपॉड से ही कर रहा हूँ। बाकी घड़ी में बज रहे हैं 3, पूरे 3 बज चुके हैं। बाहर की मन कर रहा है जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन अब आया हूँ तो जाना तो पड़ेगा। एक बार को तो मन कर रहा है तो मान ची वापिस अभी चल, लेकिन अगर मैं अभी चला गया तो वो मेरी मेहनत का क्या होगा, जो मैं जो चीज़ सोच के आया था, इतनी दूर मैंने स्ट्रगल करा, मेहनत करी, थक गया, उधर गया, इधर गया, नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कुछ भी हो जाए ये भी एक एक्सपीरियंस है आज जो मेरे साथ हुआ, सीखने को मिला आगे से कैसे ध्यान। हाँ, सारी गलतियाँ मेरे जूतों की है, बर्फ में टाइम में जूते कोई दूसरे पहनने चाहिए, वो अब मैं पहनूंगा जो इन्होंने मुझे दिए हैं। मेरे बैली थे, ठीक है, बैली हमेशा फिसल जाती है बर्फ में, बर्फ क्या हो कीचड़ इस टाइप से हो रही थी और ग्रिप नहीं बन पाई, वो धाक से शुक्र मानो कि मेरा सर पूरा का पूरा मेरी बैग को जो है मेरे बैग ने संभाला है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। दोस्तों करीब 5 बज रहे हैं और बहुत बहुत ठंडा है यार यहाँ पे, हाथ नीले पड़ गए हैं ठंड के मारे। पैरों को तो किसी तरह डबल जुराबे पहन रखी है, पन्नी बांध रखी है, उसके अलावा एक शूज़ जो उन्होंने दे रखे हैं रबड़ के शूज़, ताकि पैर गीले ना हो तो और कोई किसी खून ना जम जाए। और ठीक ठाक है, बाकी ठंड है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, 4:30 बजे सूरज छिप जाता, छिपना इन द सेंस कि आपको सूरज दिखेगा नहीं, पहाड़ियों में छुप जाता, और उजाला यहाँ पे 6 बजे तक फिर भी रहता है, ऐसा अभी मुझे पता लगा। मैं अपने गेस्ट हाउस से करीब 500 मीटर नीचे आ रहा हूँ, क्योंकि बता रहे हैं कि घर पे फ़ोन करने का मन कर रहा था, बात नहीं हो पा रही, जियो आइडिया कोई नहीं चल रहा यहाँ पे। कह रहे हैं अगले साल यहाँ पे जियो के नेटवर्क आ जाएंगे। हाथ में स्वेलिंग आ गई है बहुत ज़्यादा, और पीछे जांग में ही बैक साइड में काफ़ी दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है चोट अंदरूनी चोट ना हो गई हो। अगर घर जाके सबसे पहले इसको दिखाऊंगा। हाँ, अब पीछे से रास्ता देखो, इस रास्ते पे कोई नहीं है सिवाय मेरे। अगर मुझे या तो मैं 500 मीटर और नीचे जाऊँ, और नीचे, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि मैं नीचे तो चला जाऊँगा, कहीं सूरज छुप गया, यहाँ पे किसी भी तरह की लाइट की फैसिलिटी मुझे लग रही है, टॉर्च चला के आना पड़ेगा, और आगे रास्ता और भी ख़राब लग रहा है जैसे मैं आया था, कहीं ना कहीं मुझे और कुछ ना हो जाए। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से वापस ही चला जाऊँ गेस्ट हाउस आधे घंटे में। वैसे मैं 500 मीटर नीचे आ चुका हूँ, अगर 500 मीटर और नीचे जाऊँ हिम्मत करके तो शायद घर पे बात हो जाए और नेट भी चल जाए, क्योंकि यहाँ सब बंद है, सब बंद है। पूरे इस पहाड़ियों के बीच में अकेला मैं ही हूँ, और ये एक अच्छा भी लग रहा है, कहीं ना कहीं आप यकीन नहीं करोगे, एक डर भी लग रहा है। डर एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुत्ते जो है ना, किन्नौर के कुत्ते भेड़ियों से कम नहीं है, उनकी शक्लें एक डरावना है, वो ऐसे जो देखते हैं ना, मैं 2 बार तो मैं डर गया, डर लगता है बर्फ़ में से कोई निकल के ना आ जाए, या एक अजीब सा, क्योंकि मूवी देखी थी मैंने फ्रोजन, उसमें इतनी ठंडी हवा चल रही थी ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। आप यकीन नहीं करो, मेरे हाथ से फ़ोन छूटने वाला है, इतना बर्फ जम गई है और इतना टेम्परेचर यहाँ माइनस में हुआ पड़ा है। इस वजह से आज मैंने कुछ भी किसी भी तरह की ब्लॉग नहीं बनाया, मैं सोच रहा हूँ कल सुबह उठ के ही थोड़ा चीज़ों को कैप्चर करूं। बाकी नहीं, मैं नीचे नहीं जा रहा, मैं ऊपर ही जाना ठीक समझता हूं, वहां से किसी से मैनेज करके
फ़ोन पे अगर किसी पे BSNL का नंबर है तो वहाँ पे घर पे फ़ोन कर देता हूँ। लेकिन यादगार रहेगा ये ट्रिप, यादगार रहेगा कि एक अकेला मैं आया था इस चीज़ को देखकर। चारों तरफ यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है और ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं और मेरे ठीक बैक साइड में देखोगे, हाँ ये पहाड़ी, इसके पीछे तिब्बत है। आप यकीन नहीं करोगे, इस पहाड़ी के पीछे तिब्बत है। वैसे तिब्बत भी बोलते हैं लेकिन हम हिंदी है तो हम बोलेंगे तिब्बत। इस पहाड़ी के पीछे तिब्बत है और मैं ना ही कोई ट्राईपोड ना ही कोई गिम्बल यूज़ कर रहा, मैं सिर्फ अपने फ़ोन से अभी ये वीडियो को बना रहा हूँ। मैंने सोचा था मैं किसी भी तरह की कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं फ़ोन पे बात करने, लेकिन मुझे ऐसा लगा ये सिचुएशन आपको दिखानी चाहिए। ये सिचुएशन ज़रूरी है कि एक्चुअल की जो ज़िंदगी है वो ये है। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे व्लॉग्स देखे, उसमें ऐसा कुछ बताया नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग गर्मियों के सीज़न में आते हैं। गर्मियों में यहाँ हालात बिल्कुल सही होते हैं, अप्रैल तक तो बर्फ़ रहती है। मैं इसीलिए आया था कि यहाँ के जग जीवन को देखना चाहता हूँ, यहाँ की लाइफ को देखना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग कैसे जीते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। तो भाइयों खाना लग चुका है, खाने में आज हम खाएंगे दाल, मिक्स वेज, चावल और चपाती। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया आपको, मैं एक शख्स मेरे भाई या दोस्त जो अभी बने हैं इनसे मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल ही गया। सर आपका नाम? मेरा नाम साजन। साजन जी ये लुधियाना पंजाब से हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी करीब 4 बजे आप आए हो चितकुल? हाँ जी, 4 बजे आए हैं और ये पूरा एक ग्रुप लेके आए हैं 7-8 जनों का। और लेकिन अभी हुआ क्या इनके साथ, यहाँ पे कोई भी रूम नहीं मिल रहा, ज्यादातर तो बर्फ की वजह से बंद हो चुके हैं, जो एक आधे हैं वो महंगे दे रहे हैं या कुछ। और 7-8 जने को देख के 8 जनों का आप ग्रुप लेके आए, 8 दोस्त हैं मेरे बराबर रूम में ही है वो भी, तो ग्रुप लेके आए, अब इन्हें रूम नहीं मिल रहा। तो मैंने इनसे बोला कि मेरे रूम के बराबर में एक रूम है तो वहाँ ढूंढ लो। फिर 1 घंटे बाद इन्हें रूम मिल गया। तो मेरे रूम के अंदर क्या था, एक बेड है, एक बेड ये है जिसके ऊपर हम बैठ के खाना खा रहे, ये मेरे लिए खाली था। तो ये भाई हैं, ये एक प्रोफेशन पेशे से एक ड्राइवर हैं, टूर एंड ट्रेवल का काम है, तो ये लेके आए थे। तो मैंने इनसे बोला कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहो, आप मेरे रूम में एडजस्ट हो जाते हो। उधर वो नहीं थे, वो अलग अपना पार्टी वार्टी कर रहे हैं, तो भाई मुझे बड़े अच्छे लगे, तो आज ये हाँ सोएंगे, मैं वहाँ सोऊंगा। और इस कमरे का मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तब भी चार्ज दे रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इन भाई का फायदा किया जाए। और भाई भी बड़े अच्छे लगे। अब भाई खाना खाइए और बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी शुक्रिया जी। तो खाने स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चपाती आया कुछ टेस्ट? काफी अच्छा टेस्ट है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं होटल या बाहर हूँ, पूरा घर जैसी फीलिंग है मुझे। इसके बारे में कुछ बताना? इसके बारे में? होटल के बारे में? हाँ होटल के बारे में, वैसे मैंने बता दिया, फिर भी आप बोल रहे हो तो एक बार बता देता हूँ। ये क्या नाम, क्या था, मैं नाम भूल गया यहाँ का। हाँ लक्की, हाँ सॉरी मैं नाम भूल गया, ये लक्की होम स्टे है और बहुत अच्छा होम स्टे है, बहुत अच्छे से इन्होंने बना रखा है। और जब भी आप आओ यहाँ विजिट करो, मैं तो सबको यही बोलूँगा। बहुत ही कम लोग मैंने चितकुल की वीडियो देखी जहाँ उन्होंने बताया नहीं होम स्टे का है। मैं ऊपर गया था, ऊपर नहीं है बिल्कुल, आपको बिल्कुल हाँ लैंडमार्क के रूप में बता देता हूँ, किसी से ही पूछ लीजिएगा कि लक्की होम स्टे जाना है आपको। आपको बाहर से बिल्कुल बिल्कुल लकड़ी घर दिखेगी, जब आप अंदर आओगे तो आपको एकदम ये 5-स्टार होटल ही लगेगा, मैं तो ये कहूँगा। तो बाकी अभी हम खाना इंजॉय करते हैं और आपसे फिर कल मुलाकात करते हैं। कल हम आप काफ़ी अच्छी अच्छी जगह बसपा रिवर को कवर करेंगे, वैली को कवर करेंगे और भी काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं।